लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारे अध्ययन का आज का टॉपिक है राज्य राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, राज्य के तत्वों का विवेचन करें। इसके भी पहले एक बात आपको समझ लेना है कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दिया था गार्नर के द्वारा। कहा गया कि राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा संगठन है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसके अपनी एक निश्चित सरकार है और वह सरकार संप्रभु है। देखिए, यहाँ पर गार्नर की परिभाषा और राज्य की श्रेष्ठ परिभाषा क्यों है। गार्नर की परिभाषा राज्य की श्रेष्ठ परिभाषा इसलिए है क्योंकि इसमें राज्य के सभी चारों ही मान्यता प्राप्त तत्व किसी न किसी रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं। आइए कम या अधिक, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभु। इसलिए राज्य के मान्यता प्राप्त तत्व कितने हो गए। पहला है राज्य का मान्यता प्राप्त तत्व जनसंख्या, दूसरा है राज्य का मान्यता प्राप्त तत्व निश्चित भूभाग, और तीसरा है राज्य का मान्यता प्राप्त तत्व सरकार, और चौथा है राज्य का मान्यता प्राप्त तत्व संप्रभुता। अब यहाँ पर हम लोगों को यह बात समझना है के जनसंख्या को और क्या कहते हैं। इसको राज्य का मानवीय तत्व कहा गया कि यह राज्य का मानवीय तत्व है। भूभाग राज्य का भौतिक तत्व कहलाता है। सरकार को और राज्य का राजनीतिक तत्व कहते हैं, इसको राजनीतिक तत्व। और संप्रभुता को और राज्य का आध्यात्मिक तत्व कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व इनमें किसको कहा गया। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हम संप्रभुता को कहते हैं। आप देखिए, आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि राज्य की जनसंख्या कितनी हो, कम हो या ज़्यादा हो। गार्नर ने इस बात का समाधान कर दिया। गार्नर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि राज्य की जनसंख्या कम भी हो सकती है और राज्य की जनसंख्या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप वर्तमान संदर्भ में देखें तो वेटिकन सिटी जैसा राज्य है जिसकी संख्या हज़ारों में है, चीन और भारत की जनसंख्या अरबों में जा कर के निश्चित होती है। इसलिए यह कहना कि राज्य की जनसंख्या कितनी हो इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ चिंतकों के द्वारा राज्य की आदर्श जनसंख्या का उल्लेख किया गया और आदर्श जनसंख्या के ऊपर आपके एग्जाम में सवाल आता है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि राज्य की जनसंख्या पर आप प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि राज्य की जनसंख्या 5040 हो।
अरस्तु के द्वारा कहा गया कि राज्य की जनसंख्या 100,000 हो, और रूसो के द्वारा कहा गया कि राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। ये आदर्श राज्य के संदर्भ में अलग अलग विचार हैं, लेकिन दुग्वे एक ऐसा चिंतक है जिसके द्वारा कहा गया कि राज्य की जनसंख्या ऐसी हो कि राज्य के संसाधनों के द्वारा वहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके और शासक तथा शासित के मध्य वर्गांतर रेखा को भी खींचा जा सके। यहाँ एक बात स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनसंख्या कम भी हो सकती है और राज्य की जनसंख्या अधिक भी हो सकती है। और राज्य के लिए केवल जनसंख्या का होना आवश्यक है, कम या अधिक का कोई खास महत्व नहीं होता। निश्चित भूभाग के संदर्भ में कुछ ऐसे चिंतक हैं जिनके द्वारा कहा गया कि भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानना आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारे परीक्षा में यह सवाल आता है कि किन विचारकों के द्वारा भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानने से भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानने से राज्य का आवश्यक तत्व मानने से इनकार कर दिया गया। इसमें बेलोबी शीले दुग्वी एवं हाल का नाम मुख्य है। आपको यहाँ पर यह बात याद कर लेना है कि मूलतः चार ऐसे चिंतक हैं, अलग अलग करके आपको आता है। शीले ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में सवाल के रूप में आया है कि इनमें से कौन ऐसा चिंतक है जिसने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानने से इनकार कर दिया। तो राज्य का आवश्यक तत्व मानने से इनकार करने वाले चार चिंतक हैं, बिलोवी, शीले, दुग्वी और हाल। क्लूवर ब्रिटिश विचारक है। ब्रिटिश विचारक क्लूवर के द्वारा सर्वप्रथम भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना गया था, और यह आवश्यक तत्व माना था 1867 ईस्वी में। तो पहली बार भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानने का श्रेय जाता है किसको? क्लूवर को जाता है। इनके द्वारा भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व बतलाया गया। अब तीसरे नंबर पर आता है सरकार को राज्य का एजेंट कहा जाता है। राज्य की संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। आपके परीक्षा के लिहाज से इसमें यह सवाल बनता है कि राज्य के लिए किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, लोकतांत्रिक हो ना लोकतांत्रिक हो या तानाशाही हो। इसलिए आपको यहाँ समझना है कि राज्य के लिए किसी भी प्रकार की सरकार का गठन किया जा सकता है, चाहे वह सरकार निरंकुश तानाशाही हो या वह लोकतांत्रिक हो। किसी भी प्रकार की सरकार का गठन होना केवल आवश्यक है, न कि उसके स्वरूप पर। अगला है राज्य के तत्व में संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, और संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसको राज्य की सर्वोच्च शक्ति कहते हैं। इसके दो आयाम हैं, एक आंतरिक पक्ष और दूसरा बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष के अनुसार राज्य अपनी संप्रभु शक्ति के ही द्वारा अपने अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों को आज्ञा दे सकता है, और आज्ञा के उल्लंघन पर उनको दंड देने का अधिकार रखता है। बाह्य पक्ष के अनुसार राज्य
अपनी इच्छा अनुसार किसी भी अन्य देश के साथ अपने वैदेशिक संबंध का निर्माण कर सकता है, विदेश नीति का निर्धारण कर सकता है, किसी अन्य राज्य के हस्तक्षेप को वह स्वीकार नहीं करता है। ये तो राज्य के चार महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त तत्व हैं, लेकिन कुछ ऐसे चिंतक हैं जिनके द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से राज्य के कुछ तत्वों का वर्णन किया गया, जिसमें एक नाम महत्वपूर्ण है, ब्लंडसली। ब्लंडसली ने धर्म को राज्य का आवश्यक तत्व बतलाया था। इसके अलावा बिलोबी के द्वारा आज्ञा पालन को राज्य का आवश्यक तत्व माना गया। बट यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि धर्म और आज्ञा पालन आज भी राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि राज्य के चार ही मान्यता प्राप्त तत्व हैं, जनसंख्या, वो निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आपकी परीक्षा में एक सवाल और भी पूछा जाता है कि भारतीय चिंतकों के द्वारा राज्य के कितने तत्व बतलाए गए। भारतीय चिंतकों में कौटिल्य का नाम मुख्य है, मनु के द्वारा भी और कौटिल्य के द्वारा भी राज्य के 7 तत्व बतलाए गए हैं, जिसको राज्य की प्रकृति भी कहा जाता है। राज्य के 7 तत्वों में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र। आपके परीक्षा में यह पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौटिल्य के 7 तत्व में क्या नहीं है, इसलिए आपको 7 तत्वों को आपने याद करना आवश्यक है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये राज्य के 7 तत्व हैं। कौटिल्य के द्वारा और भारतीय राजनीति विज्ञान में राज्य के 7 तत्व बतलाए गए हैं। तो ये राज्य के 7 तत्व यहाँ पर कहा, वैसे राज्य के 4 मान्यता प्राप्त तत्व हैं। हम लोगों का ये राज्य के तत्वों के संदर्भ में ये क्लास हम लोगों का यहीं तक है। आप देखते रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।